नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टेक्निकल मुकाबला में। दोस्तों, अगर आप भी एक पीएफ के मेंबर हैं, आपका भी किसी कंपनी में पीएफ कटता है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, होता यूँ है कि आपका जो एम्प्लॉयर होता है या आपकी जो कंपनी होती है, वो आपके पीएफ में आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपका नाम, आपका जेंडर, आपका फादर नेम या आपका हस्बैंड नेम गलत फिल कर देते हैं। मतलब जो आपकी प्रोफाइल है वो आधार कार्ड से मैच नहीं करते, मिसमैच कर देते हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका नाम रमेश कुमार है, तो आपके पीएफ में रमेश सिंह लिख दिया, सरनेम का डिफरेंस हो गया। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1999 है, तो वहाँ 2/1/1999 कर दिया, 2/1/1998 कर दी। आपका जेंडर थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो मतलब ये एक माइनर मिस्टेक हो गई कि एक आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 से 1.5 साल का डिफरेंस, मतलब 3 साल से कम का डिफरेंस, और आपके नाम में एक छोटा सा चाहे सरनाम का सरनेम का चाहे, मतलब माइनर मिस्टेक बिल्कुल। तो आप इसे ऑनलाइन बिना किसी डॉक्यूमेंट के ऑनलाइन ईपीएफओ पोर्टल से अपडेट कर सकते हैं। बट वहीं अगर आपके पीएफ में 3 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है और आपके नाम में, मैं आप लोगों को इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए आपका नाम है रमेश कुमार, वहाँ हिमेश कुमार कर दिया, नाम ही चेंज हो गया पूरा रमेश हिमेश, और आपके पीएफ में आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1999, वहाँ कर दिए 1/1/1988, 1/1/1995, 1/1/1994, मतलब 3 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है। तो आप लोग ईपीएफओ पोर्टल से उसे अपडेट तो कर सकते हैं, बट आप लोगों को एक वैलिड गवर्नमेंट प्रूफ, गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है, जहां 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, राशन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र चलता है, या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। और ऐसे में होता क्या है कि जो 90% या 50% कह लो आप, आधे से ज़्यादा लोगों के पास जो ये प्रूफ है ये अवेलेबल नहीं होते हैं। मतलब जो माइनर मिस्टेक होती है, मतलब 3 साल से कम का डिफरेंस और सरनेम में डिफरेंस, वो तो अपना ऑनलाइन बहुत ही आसानी सही कर लेते हैं, बट जिनका 3 साल से ज़्यादा डिफरेंस है और नाम ही पूरा चेंज है, तो वो ऑनलाइन सही तो कर सकते हैं बट उनके पास प्रूफ नहीं होता। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, किसी भी एक साइबर कैफ़े वाले के पास जाते हैं या किसी भी ऐसी ठेकेदार के पास जाते हैं किसी के ही पास, तो वहाँ बोलते हैं कि भैया हमारी हमारी डेट ऑफ बर्थ, नाम चेंज करना है। तो वो करते क्या है, इनके पास प्रूफ तो होता नहीं है, कोई भी फर्जी, कोई भी फेक आईडी बना के 10वीं या 12वीं की मार्कशीट या कुछ भी उससे चेंज कर देते हैं। अब चेंज हो भी जाता है, बट ईपीएफओ ने एक 12 फरवरी को, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट है ये, मैं फुल बताने वाला हूँ आप लोगों को इसके बारे में, पर पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। ईपीएफओ ने 12 तारीख को एक नया सर्कुलर जारी किया है, जी हाँ दोस्तों, उसमें आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है कि आप किस तरीके से बिना प्रूफ के, प्रूफ के साथ, या किस तरीके से 3 साल से ज़्यादा का डिफरेंस हो तो भी सही कर सकते हैं, कम डिफरेंस हो तो भी सही कर सकते हैं, मतलब माइनर मेजर, माइनर मतलब कम और मेजर मतलब ज़्यादा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग फ्रॉड करते थे, गलत तरीक़ों से नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज करते थे, वो अब नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत और बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा उन्हें। तो चलिए दोस्तों, फटाफट चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और बताते हैं आप लोगों को इस बड़े अपडेट के बारे में कि आप किस तरीके से उस अपडेट का फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरीके से ज़्यादा डिफरेंस होने के बाद भी अपना जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस वक्त आप लोग देख सकते हो, हम लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और इस वक्त हम लोगों के सामने जो अपना सर्कुलर जारी किया गया है ईपीएफओ द्वारा, वो खुल चुका है। तो मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, जो ये सर्कुलर है, इसका पीडीएफ लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा, जहां आप क्लिक करके भी इस सर्कुलर को अपने फ़ोन में पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस जो भी सर्कुलर जारी किया गया उसकी डेट दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं 12 फरवरी 2021, 12 फरवरी 2021। उसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ ईपीएफओ का लोगो और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको नीचे मैं स्लाइड डाउन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है मेंबर प्रोफाइल करेक्शन इन नेम, फादर, स्पाउस, जेंडर रिगार्डिंग। मतलब जो सर्कुलर है ये मेंबर के नाम, फादर नेम,
जेंडर के रिगार्डिंग है, मतलब जो भी आपकी डिटेल्स है उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो मैं नीचे स्लाइड डाउन कर देता हूँ आपको, यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सर मैडम प्लीज़ रेफर टू द अबव। मैं आप लोगों को इसकी जो मेन मेन चीज़ें हैं वो पढ़ के बता देता हूँ, बाकी आप लोगों को लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को मेन, ये तो मतलब कुछ ऐसी स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बिल्कुल मेन चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा मैं आप लोगों को अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 100% जेन्युइन चीज़ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो इसमें पीएफ में है, ये जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम करेक्शन है वो दो भागों में बांट दिया गया है, एक माइनर करेक्शन और दूसरा मेजर करेक्शन। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग माइनर एंड मेजर करेक्शन एज क्लासिफाइड बिलो। ठीक है, तो जो भी आपकी माइनर और मेजर के एग्जांपल है वो नीचे दिए गए हैं। तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है माइनर करेक्शन का जो एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अ करेक्शन विल बी कंसिडर्ड माइनर। तो यहाँ लिखा है इफ़ द करेक्शन इज रिलेटेड टू एक्सपेंडिंग द नेम सरनेम फ्रॉम एबर्वेशन टू फुल नेम और वाइस वर्स विदाउट चेंजिंग द फर्स्ट लेटर इफ़ आफ्टर द करेक्शन। मतलब अगर आपके नाम में आपका जो भी फर्स्ट नेम है, मतलब फर्स्ट नेम मतलब ये नहीं कि आपका पूरा नाम हो पहला, मतलब टाइटल है, और जो भी आपका लास्ट नेम है उसमें चेंजेस है। और आगे पढ़िए इसका एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका नाम है आर कुमार और आप इसे राकेश कुमार करना चाहते हैं। एक और एग्जांपल, आपका नाम है वी एस वर्मा, तो आप इसे विजय कुमार, विजय शंकर वर्मा करना चाहते हैं, तो ये माइनर करेक्शन में आएगा। ठीक है, और बट अगर आपका आर कुमार टू सुरेश कुमार कराना चाहते हैं तो ये माइनर करेक्शन में नहीं आएगा। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि आप पूरा नाम ही चेंज करना चाहोगे कि आर कुमार है, आप सुरेश कुमार कराओगे, तो ये माइनर करेक्शन में नहीं आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, इफ़ द फादर नेम और हस्बैंड नेम इज़ इंसर्टेड एज मिडल नेम इन आधार, मतलब जो आपका फादर नेम है, ठीक है, या फिर देखिए यहाँ आ गए हम दोबारा, इफ़ द फादर नेम और हस्बैंड नेम इज़ इंसर्टेड अ मिडल नेम इन आधार, एग्जांपल सुनीता कुमार सन ऑफ या वाइफ ऑफ रमेश कुमार टू सुनीता रमेश कुमार, अगर आप ये कराना चाहते हैं तो नीचे क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स ओनली चेंज इन सरनेम ऑफ फीमेल एम्प्लॉय आफ्टर मैरिज। अगर जो भी आपकी फीमेल एम्प्लॉय है वो मैरिड है तो ही आप इसे कर सकते हैं। मतलब जो भी आपका गुजरात में आप लोगों ने देखा होगा कि अपने नाम के अलावा आपका फादर नेम सामने लगा होता है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है अगर जो कैंडिडेट है वो मैरिड है तो। अब जो दूसरा एग्जांपल है वो मेजर करेक्शन है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को माइनर करेक्शन समझ आ रहा होगा, समझ ना आए तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। मेजर करेक्शन, ऑल दोज केसेस विच डू नॉट फेल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ माइनर करेक्शन और एनी करेक्शन लीडिंग टू कंप्लीट चेंज इन नेम फादर नेम और वेयर करेक्शन इन मोर देन टू फील्ड्स आर इन्वॉल्व। मतलब आपके नाम में दो जगह से ज़्यादा चेंजेस हों और कुछ बड़ा चेंज हो, मतलब आपका नाम ही चेंज हो पूरा, रमेश कुमार हिमेश कुमार, तो ये मेजर करेक्शन में आएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अथॉरिटी कंपोनेंट टू अप्रूव माइनर एंड मेजर करेक्शन शैल बी, तो आप APFC RPFC सेकंड के जरिए और मेजर करेक्शन, ये माइनर करेक्शन के लिए था, मेजर करेक्शन के लिए RPFC फर्स्ट और RPFC सेकंड OIC के जरिए कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए आप क्या लिखा हुआ है, पूरी मैं आप लोगों को डिटेल बताता हूँ, मेजर करेक्शन आर डिस्क्राइब्ड अबव शैल नॉट बी डन इन ऑनलाइन प्रोसेस। मतलब जो अपना बड़ा करेक्शन होगा, नाम में चेंज होगा, वो ऑनलाइन करेक्शन द्वारा नहीं कर सकते आप विदाउट ऑब्टेनिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, बिना किसी एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्रूफ के। कर तो सकते हैं पर बिना गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्रूफ के नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड वेरिफिकेशन ऑफ जेन्युइननेस। मतलब जो भी आपकी वेरिफिकेशन होगी वो बिल्कुल कड़े तरीके से होगी, ऐसा नहीं आपने कोई भी फोटोशॉप फर्जी डॉक्यूमेंट डाल दिया और हो जाएगा। आप देखिए नीचे यहाँ लिखा हुआ है, इन केस द जॉइंट डिक्लेरेशन इज साइंड बाय द एम्प्लॉयर शुड बी आस्क टू प्रोड्यूस ओरिजिनल रिकॉर्ड सच एज एम्प्लॉय रजिस्टर। अगर आप जॉइंट डिक्लेरेशन के जरिए कराओगे तो आप लोगों को कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे, इंक्रीमेंट ऑर्डर मतलब जो आपकी सैलरी बढ़ती है वो लेटर, पे स्लिप सैलरी स्लिप, अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है वो, एनी एप्लीकेशन मेड टू EPF ऑफिस टू करेक्ट रॉन्ग नेम इन फॉर्म 23 पे स्लिप। मतलब ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो PF से रिलेटेड करता हो, मतलब सबूत होना चाहिए एक पक्का जो कंपनी और PF से रिलेटेड हो। आप देखिए, इंक्लेज्ड ऑफ क्लोज एस्टेब्लिशमेंट, मतलब अगर आपकी कंपनी बंद हो, द एप्लीकेंट मे बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस एविडेंस सच एज अपॉइंटमेंट लेटर पे स्लिप इंक्रीमेंट ऑर्डर। तो मान लीजिए आपकी कंपनी बंद है तो आपके पास कुछ तो होगा, सैलरी स्लिप इंक्रीमेंट लेटर कुछ भी, तो आप उससे भी कर सकते हैं। सच अदर रिकॉर्ड एज द अथॉरिटी फील रिक्वायर्ड कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, वेरीफाइंग थ्रू EO मे बी ऑल्सो डन। अब यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे जो भी RPFC WSO उनके सिग्नेचर हैं,
अब यही थी जो आज की इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में, मैंने आप लोगों को फुल एक्सप्लेन कर दिया कि मेजर करेक्शन क्या होता है, माइनर करेक्शन क्या होता है, ऑनलाइन किन चीज़ों के चेंज होंगे, नाम डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज होंगे, ऑफलाइन क्या होगा, सब कुछ। अब यहाँ लिखा देखिए, कॉपी फॉर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी टू ACCS ICR रिक्वेस्ट प्रोवाइज इन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ACC ऑडिट फॉर इन्फॉर्मेशन। मतलब ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने ऊपर पढ़ी थी। तो दोस्तों यही था कुछ अपडेट इस जो भी अपना सर्कुलर जारी हुआ है, इसका लिंक आप लोगों को PDF में अवेलेबल करा दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आप लोगों को EPFO का एक नया सर्कुलर जो जारी हुआ है वो आप लोगों को दिखाया, फुल इसे एक्सप्लेन किया कि किसे माइनर डिफरेंस कहते हैं, किसे मेजर डिफरेंस कहते हैं, किस तरीके से आप ऑनलाइन अपने कोई भी डाटा है उसे सही कर सकते हैं, किस तरीके से ऑफलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन से सही कर सकते हैं। मतलब सब कुछ पूरी डिटेल मैंने आप लोगों को फुल एक्सप्लेन कर ली। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों इसी तरह के PF से रिलेटेड मददगार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।